एक सिंगर के एल्बम फेल हो जाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा अपसेट थी, तो गिटारिस्ट के साथ उसने अफेयर किया। बाद में उसे पता चलता है कि गिटारिस्ट का एक डार्क सीक्रेट है और इस वजह से सब गड़बड़ हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्लश 2013 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक बहुत अच्छी थ्रिलर है और हमेशा आपको आपकी सीट के एज पर रखेंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की को एक आदमी ने चेयर से बांध कर रखा था। वो चिल्ला रही थी पर उसे छोड़ता नहीं। उसके ऊपर उसने बहुत सारे स्टोन्स डाल दिए और जिंदा उसे गाड़ दिया। इसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर हेली और उसका ब्रदर हमसे इंट्रोड्यूस होता है। इन दोनों का एक फेमस बैंड था। हेली ने कहा कि बचपन से हमें म्यूजिक बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। वो एज अ टीम होकर बहुत ही अच्छा म्यूजिक बनाते हैं, इसी वजह से वो सक्सेसफुल हो पाए। इनका करियर बहुत ही अच्छे से चल रहा था। तभी हेली कार्टर से मिली। कार्टर एक जर्नलिस्ट था और ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे। बहुत ही जल्दी जल्दी बात आगे बढ़ी और एक दूसरे के साथ उन्होंने शादी भी कर ली थी। हेली का ब्रदर कार्टर को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हेली को बच्चे भी हुए पर फिर भी अपने ब्रदर के साथ उसने अपना करियर मेंटेन रखा था। एक दिन पार्टी में उसने कुछ ड्रग्स ले लिए और उस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। हेली ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर वो कुछ भी कर नहीं पाई। उसे लगा कि उसने अपने ब्रदर को अकेला छोड़कर एक नई लाइफ कर ली, इस वजह से वो डिप्रेस्ड हो गया था। ब्रदर के जाने के बाद किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लगता था। बहुत सारे मंथ गुजर गए और उसी के बाद वो कुछ लिख पाई थी। फाइनली अपने ब्रदर को डेडिकेट करने के लिए उसने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे। उसे पूछा जाता है क्या तुम्हारे ब्रदर का प्लेस कोई ले पाएगा। हेली ने कहा कि हमने जिस गिटारिस्ट को रखा है वो भी बहुत ही टैलेंटेड है पर मेरे ब्रदर की जगह कोई भी ले नहीं सकता। इस गिटारिस्ट का नाम था एंजो और हेली के मैनेजर को मिला था। उन्हें लग रहा था कि उसे अलग लेवल पर लेकर जा सकता है। इंटरव्यू अच्छे से हुआ और सब लोग बहुत पॉजिटिव थे कि एल्बम सक्सेसफुल होगा। एल्बम के प्रमोशन के लिए हेली को अलग अलग जगह पर अपनी फैमिली को छोड़कर जाना पड़ता है। अपने ब्रदर की डेथ के बाद फैमिली से जरा दूर हो गई थी। लोगों के लिए हेली ने जब ओल्ड सॉन्ग परफॉर्म किया तो उसे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर वो कहती कि नेक्स्ट सॉन्ग मेरे ब्रदर के लिए डेडिकेट किया है। ये उसके नए एल्बम का था। लोगों ने सुना पर इसके लिए कोई भी चेयर नहीं आती। अगर इसी तरीके से रिस्पॉन्स मिला तो एल्बम खत्म हो जाएगा। इसके बारे में मैनेजर से बात कर दिया। मैनेजर ने कहा कि सॉन्ग को कैचअप करने के लिए ज़रा टाइम लगता है, तुम ज़्यादा वरी मत करो। हेली जब अपने रूम में जा रही थी तभी एक फैन उसके पास आ गया। उसे ज़बरदस्ती एक चीज़ पर साइन करने के लिए कहता है। हेली साइन कर देती है पर उसके बाद उसने उसे लिपस्टिक लगाने के लिए कही। उसे ज़बरदस्ती कर रहा था तभी वहाँ पर एंजो पहुँच गया। उसे पुश कर जल्दी से वहाँ से वो भाग जाते हैं। जाकर बाथरूम में वो छुप गए। हेली को डर लग रहा था तो एंजो उसके साथ रूम तक आया। वो अपने एल्बम के रिव्यूज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी तो एंजो ने कहा कि तुम्हें ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे मन में जो भी है ये सब कुछ तुम बाद मुझे कह सकते हो, तुम्हें रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। हेली को उसने लेटा दिया और बहुत ही अच्छा मसाज करता है। इसके बाद स्लोली स्लोली उसके साथ इंटीमेट होने लग गया। सुबह हुई और हेली को कार्टर का कॉल आता है। कल रात जो भी हुआ इस बात के लिए उसे बहुत ही गिल्टी लग रहा था। वो अपने बच्चों से बात करती है फिर उसने कार्टर से बात की पर कार्टर जरा अपने काम में बिजी है। वो नोटिस करता है कि हेली रिलैक्स लगती है। उसने उसे कहा कि अगर तुम चाहो तो ब्रेक ले सकती हो, मुझे एक बुक डील मिली है और इसके बाद एक दो साल तक तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेली से मिलने के लिए फिर उसकी मैनेजर आती है। उनका एल्बम बिक नहीं रहा था तो रिकॉर्ड लेबल ने उसके पैसे भी कम कर दिए थे। हेली बहुत ही डिस्टर्ब होकर मैनेजर से पूछती कि अब करना क्या पड़ेगा। उसके पास बहुत सारे सोल्यूशन थे पर मैनेजर ने कहा सिर्फ एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग लिखो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लिखने की बहुत कोशिश करती है और उसके बाद वो एंजो के पास आके उसे वो एक माउंटेन के पास लेकर जाती है। माउंटेन के ऊपर से एक पत्थर गया, वो डायरेक्टली अपना चाकू निकाल लेता है। ऊपर जो कोई भी होगा उसे वो धमकाने लग गया, बस सिर्फ एक एनिमल वहाँ था। इसके बाद वो पास बैठते हैं और हेली ने कहा कि मुझे एक अच्छा सॉन्ग लिखना पड़ेगा। उसके पास लिरिक्स तो है पर आगे का उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंजो ने इस सॉन्ग को अपनी धुन दी और हेली को बहुत ही अच्छा लगता है। उसके करीब आने लग गया और किस करने लगता है। हेली ने कहा कि कल रात हम दोनों बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थे, हमारे बीच जो भी हुआ ये मैटर नहीं करता, मेरी फैमिली है और मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती। एंजो कहता है कि हम हमारी रिलेशनशिप कैजुअल रखेंगे, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हेली फिर भी इस बात के लिए मना कर देती है। हेली का नेक्स्ट शो होता है तो जिस फैन ने उसे हरास किया था उसका एक लेटर उसे मिला। शो के बाद हेली अपनी टीम से कहती है कि मैंने और एंजो ने बहुत ही अच्छा सॉन्ग लिखा है, इससे हम अच्छे से क्रिएट करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात में दोनों पार्टी करते हुए सॉन्ग लिखते हैं, इसमें वो इंटीमेट भी हो गए। इसके बाद हेली घर पर आती है। घर का डोर खुला था और अंदर से कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी तो इस वजह से वो डर गई। वो अपने बच्चों के रूम में जाती है तो सब खेल रहे थे। एक्चुअल में कार्टर ने हेली को ईमेल किया था कि आज रात वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है। इनकी नानी भी अब बदल चुकी थी। हेली बच्चों को नीचे लेकर गई और वो कहती कि मैंने तुम्हारे लिए प्रेजेंट्स लाए। ओपन करने के बाद वो रियलाइज़ करती है कि शायद वो होटल रूम में रह गए। उसे एंजो का कॉल आता है। उसने कहा मेरे बैग में तुम्हारे बच्चों के गिफ्ट्स रह गए थे। हेली ने पूछा कि क्या तुम घर पर आ सकते हो, पर एंजो ऑलरेडी घर के बाहर था। हेली ज़रा सरप्राइज थी पर उसे अच्छा लगा था। बच्चे बाहर आ गए और गिफ्ट देखकर बहुत ही खुश थे। इसे स्टार्ट करने के लिए एंजो की हेल्प लेते हैं। खेलते खेलते हेली का बच्चा एंजो को काट लेता है और इस वजह से एंजो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो उसे जाने के लिए कहती है। रात में उसने बच्चों को सुलाया पर उनकी लाइफ में चल क्या रहा है इसके बारे में उसे कुछ भी आइडिया नहीं था। सुबह हुई तो कार्टर घर पर पहुंच चुका था, उसके साथ सो रहा था। इसके बाद उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन हेली की मैनेजर के साथ मीटिंग होती है। वो जो म्यूजिक वीडियो बनाने वाले थे इसका सारा बजट स्टूडियो ने काट लिया था।
अब इनके पास सिर्फ हाफ बजट है और इस पर न्यू सॉन्ग वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। हेली डिमोटिवेट होने लग गई थी तो उसके मैनेजर उस पर चिल्लाकर उसे फिर से मोटिवेट कर देती है। वो घर पर आई तो एंजो कार्टर के साथ मिलकर गिटार बजा रहा था, सब पार्टी कर रहे थे। हेली ने पूछा कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। कार्टर ने कहा कि बच्चों का टॉय टूट गया था और एंजो ने उन्हें हेल्प कर दी। घर पर एक गिफ्ट आया जो उस फैन का था, इस वजह से हेली बहुत ही डिस्टर्ब हो गई कि उस फैन को घर का पता भी पता है। कार्टर कहता है कि ज्यादा वरी मत करो, हम उसे हैंडल कर लेंगे। एंजो ने टमाटर लाए थे तो इससे वो डिनर बनाते हैं। डिनर करते वक्त कार्टर ने एंजो का एक लॉकेट नोटिस किया, इसमें एंजो ने हेली के हेयर्स रखे थे। ये उसके लिए जरा सस्पिशियस होता है। पूरा दिन इन्होंने साथ स्पेंड किया और रात में मूवी देख रहे थे। हेली कहती कि मैं सोने के लिए जाती हूँ। एंजो ने कहा कि अब मैं निकलता हूँ, पर कार्टर कहता है इतने रात में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। एंजो को अपने गेस्ट रूम में रखने के लिए कार्टर ने हेली को मना लिया। एंजो कहता है कि वैसे भी हम दोनों को सॉन्ग पर काम करना है तो सही आइडिया रहेगा। हेली एंजो के रूम में बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर आ गई। उसे कहती कि तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था, जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ, तुम इस तरीके से मेरे साथ नहीं खेल सकते। एंजो हेली के पास आ जाता है और फिर ये दोनों इंटीमेट हो गए। घर आने पर कार्टर जरा थक गया था और हेली में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता क्योंकि वो आजकल बहुत ही ज्यादा काम कर रहा है। अगले दिन हेली एंजो के घर पर उसे मिलने के लिए आई। उसे कहती कि तुम इस तरीके से मेरी लाइफ के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते। उसने नोटिस किया कि एंजो के बोर्ड पर उसकी फोटोज लगाई हुई थी। एंजो कहता कि मैं एक फिल्म डायरेक्टर भी हूँ, तुम्हारी सॉन्ग को मैं ही डायरेक्ट करूंगा। उसने डायरेक्ट की हुई शॉर्ट फिल्म उसने उसे दिखाई। इसकी स्टोरी से पता चलता है कि एंजो की सिस्टर उसे बहुत तकलीफ दे रही थी। एंजो ने उसे बदला लेने के लिए उसे चेयर से बांध दिया, उस पर सारे स्टोन्स गिरा दिया, जिंदा उसे उसने काट दिया। यही मूवी के फर्स्ट का सीन था। हेली को उसका वर्क बहुत ही अच्छा लगता है, उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे तो इस वजह से उन्होंने एंजो को हायर कर लिया। हेली के साथ उसने एक बहुत ही नजदीक से वीडियो शूट किया। कार्टर ने जब यह सब देखा तो उसे लग रहा था कि एंजो गे है, तो इस वजह से उसे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता। इनकी वीडियो बहुत अच्छी बनी थी तो सब लोग बहुत खुश थे। हेली की मैनेजर एंजो से बात करती है, उसे कहती है कि तुम्हें हेली और उसकी फैमिली को जरा स्पेस देना चाहिए। वो सब मिलकर फिर पिकनिक जाते हैं। हेली के पिल्स खत्म हो चुके थे तो डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर उसका सारा चेकअप करती है, उन्हें पता चला कि हेली प्रेग्नेंट है। हेली एंजो को बात करने के लिए मैसेज करती है। कार्टर ने ऑलरेडी वैसेक्टोमी कर ली थी, इसका मतलब है उसे कोई भी बच्चा हो नहीं सकता। इसका मतलब है ये बेबी एंजो का था। हेली ने सर्च किया कि वैसेक्टोमी का फेलियर रेट क्या होता है। कार्टर घर पर आया और जब वो टैबलेट देखता है तो इसके बारे में हेली को सर्च करता देख उसे सब कुछ पता चल गया। हेली कहती कि मैं तुम्हें बताने वाली थी, ये एक मिराकल है और मैं भी एक बच्चा चाहती हूँ। कार्टर जरा इस बात के लिए अनश्योर था पर फिर भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है। बाहर एक डिलीवरी मैन बच्चे की क्रीब लेकर पहुंच जाता है। कार्टर इस बात से गुस्सा हो गया क्योंकि सबसे लास्ट उसे पता चला है, पर हेली ने किसी को भी बताया नहीं था। वो एंजो को कॉल करती है और कहती कि तुम्हें कैसे पता चला, मैंने तो तुम्हें बताया भी नहीं था। एंजो कहता है कि ये सब चीज़ें होती रहती है। एंजो को हेली और कार्टर में जो भी बात हुई इसके बारे में पता था। हेली इस बात से बहुत डर जाती है। उसने फिर डायरेक्टली अपने मैनेजर को कॉल किया, उसे सारी चीज़ें बता देती है। मैनेजर ने कहा कि तुम डरो मत, मैं लॉयर से बात करूंगी और एंजो को तुमसे दूर रखूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेली कहती है कि एल्बम के फेल हो जाने के बाद मैं कोई भी सॉन्ग लिख नहीं पा रही थी तो इसी वजह से ये सब मुझसे गलती हो गई। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। हेली ने कार्टर को बताया था कि वो बेबी क्रीब उसके मैनेजर ने भेजी है। यहाँ पर आते वक्त कार्टर और एनी में बात हुई थी तो एनी ने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, ये एक इशू हो सकता है, पर मैनेजर कहती कि मैं सबको संभालूंगी, कुछ भी वरी मत करो। कार्टर ने हेली को कन्फ्रंट किया, वो समझ चुका था कि बेबी एंजो का है। लंच करते वक्त कार्टर को कॉल आया, हेली की मैनेजर की डेथ हो गई थी, उसका किसी ने मर्डर किया है। वो इस बात से बहुत अपसेट हो जाती है। रात में घर के बाहर कार्टर अपना गुस्सा निकालने के लिए खड्डा खोद रहा था। हेली को लगा कि कार्टर ने एंजो को हर्ट कर दिया है तो हेल्प मांगने के लिए वो नेबर के पास चली गई। नेबर के घर में एंजो रह रहा था। उसने कहा कि तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखने के लिए मैंने यहीं पर घर ले लिया। हेली पूछती कि यहाँ के ओनर कहाँ गए। एंजो ने कहा कि वो ट्रिप पर चले गए। एंजो कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम हमारे बेबी को अच्छे से बड़ा करेंगे। कार्टर और एंजो में झगड़ा हुआ था तो इसी वजह से कार्टर उसके लिए कवर खोल रहा था। घर में हेली को बेबी की आवाज आने लग गई। वो जाकर देखते हैं तो वहाँ पर बेबी मॉनिटर्स थे। हेली के घर में जो भी चल रहा था ये सब कुछ एंजो सुन पाता था। उसने घर में बहुत सारे कैमरेज भी लगाए हुए थे। रूम में हेली ने उसके पागल फैन की हैंडराइटिंग भी देखी। हेली को डराने के लिए सारे गिफ्ट्स भी एंजो ही भेज रहा था। हेली समझ गई कि एंजो पूरी तरीके से साइको है और उसे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। उसकी सारी बातों में हाँ मिला दिया। कहती कि मैं जरा डर गई थी पर मैं अब तुम्हारे साथ रहने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। उसने कहा कि मुझे बाथरूम यूज करना है। बाथरूम में जाने के बाद वो नोटिस करती है कि ओनर को एंजो ने मार दिया था। वो बहुत ही ज्यादा डर गए, जल्दी से वहां से खिड़की खोलकर वो बाहर निकल जाती है, जंगल से भागते भागते वो घर तक आके। जो ग्रेव कार्टर बांध रहा था उसी में उसे बांध कर रख दिया गया था। हेली उसे देखकर छुड़वाने की कोशिश करती है तभी हेली की नैनी वहां पर आके उसे हेल्प मांगती है, पर नैनी वहां से चली गई। ये नैनी एक्चुअल में एंजो की मदर थी और उसे सब चीजों को लेकर हेल्प कर रही थी। हेली ने कार्टर को अकेले ही बाहर निकलने के लिए हेल्प किया, तभी नानी हेली के बच्चों को लेकर जा रही थी। वो कार में बैठ पाती तभी हेली ने उसे नोटिस कर लिया। वो जल्दी से भागे उसके सर पर जोर से मारकर उसे बेहोश कर देती है। हेली का पीछा करते हुए एंजो भी वहां पर पहुंच गया। वो कार्टर को बहुत मारता है। हेली कार्टर को बचाने के लिए उस पर झपक पड़ती है। हेली ने उसे मारते हुए कहा मैं तुम्हारा बेबी होने नहीं दूंगी। एंजो गुस्सा होकर उसे पत्थर से मार डालने की कोशिश करता है। एंजो ने कहा कि मेरी मदर सारे बच्चों को संभाल लेती और हम दोनों फ्री होते हैं।
फाइट में हेली नोटिस कर दिया कि एंजो के पास उसके ब्रदर की रिंग है। इसके बारे में एंजो ने कहा कि मैं तुम्हारे ब्रदर से बहुत प्यार करता था, पर उसने कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, इस वजह से मुझे उसे मारना पड़ा। मैं जब तुम्हारे साथ था तो तुम भी मुझसे प्यार करती थी। हेली इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। वो प्लांट को वाटर करने का पाइप लेती है और एंजो के गले में उसने डाल दिया। उसके मुंह पर रखने के बाद कार्टर पानी को ऑन कर देता है और इसी तरीके से उसे मार डाल दिया। हेली ने एम्बुलेंस बुलाई और कार्टर अब स्टेबल था। कुछ दिनों बाद जब वो उसे मिलने के लिए आए तभी कार्टर उसे कोई भी बात नहीं कर रहा था। वो सैड होकर जाने लगे पर कार्टर उसे रोक लेता है। उसने उसे फाइनली माफ कर दिया था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको इस मिशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।